अस्सलाम वालेकुम क्लास टू, हाउ आर यू? होप सो ऑल आर गुड एंड डूइंग वर्किंग वेल। डियर स्टूडेंट्स, आज आपकी मैथ काउंटडाउन की वर्किंग में पेज नंबर 31 आपका सीवर्क है एंड पेज नंबर 30 इज़ फॉर योर होमवर्क। पेज नंबर 39 पे देखें क्या है। थिंक एंड सॉल्व, पहले आपने सोचना है और फिर इसको सॉल्व करना है। ईच रन्स स्कोर इज़ द टोटल ऑफ द नंबर्स गिवन बाय द टू शीट्स दे हेल्ड। हर जो बच्चा है उसका जो टोटल स्कोर है वो दो शीट्स पर है, तो आपने इसको टोटल करके बताना है कि हर एक का स्कोर कितना है। ये नंबर वन जो बच्चा जिसकी पिक्चर है वो है आमिर, नेक्स्ट आलिया एंड मजीद। अब आमिर ने टू टेस्ट में कितने कितने मार्क्स लिए हैं? 23, 4 एंड 23। आलिया के मार्क्स हैं 45 एंड 25 और मजीद के हैं 50 एंड 23। डियर स्टूडेंट्स, अब अगर हम इनका समअप करें, 24 एंड 23 47 मार्क्स हैं, आलिया के टोटल हैं 70 मार्क्स और मजीद के हैं 73 मार्क्स। नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो आपने इन पिक्चर्स को देखते हुए सॉल्व करने। विच चाइल्ड हैज़ द लोएस्ट स्कोर, किसका स्कोर सबसे लोएस्ट है? लोएस्ट मीन सबसे कम। अब यहाँ पे देखें 47, आमिर का स्कोर सबसे लोएस्ट है, सो वी राइट हियर आमिर। विच चाइल्ड हैज़ द विच चाइल्ड हैज़ द हाइस्ट स्कोर, और फिर हाइस्ट स्कोर किसका है? यहाँ पे देखें 73 इज़ द हाइस्ट स्कोर, सो मजीद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हुज स्कोर इज़ नियरेस्ट टू मजीद, मजीद के करीब किसका स्कोर है? दैट्स आलियास, ठीक है, आलिया का है। नेक्स्ट, आमिर इज़ शॉर्ट ऑफ 50 मार्क्स बाय, आमिर के जो नंबर हैं वो 50 मार्क्स से कितने कम हैं? अब 50 में से अगर हम 47 लेस करें तो हमारे पास आंसर आता है 3 मार्क्स। आपने यहाँ लिखना है 3 मार्क्स। व्हाट इज़ आलियाज स्कोर, आलिया का स्कोर कितना है? जब हमने 45 में 25 को ऐड किया तो 70 इज़ द सम अप, सो वी राइट हियर 70। व्हाट इज़ द टोटल स्कोर ऑब्टेन्ड बाय आमिर आलिया एंड मजीद, आमिर आलिया और मजीद का टोटल स्कोर कितना है? 47, 70 एंड 73 को जब हम ऐड करेंगे दैट वुड बी 190, द टोटल स्कोर इज़ 190। नेक्स्ट देखें, आई हैव 37 मार्बल्स एंड सीमा हैज़ 26 मार्बल्स। मेरे पास 37 मार्बल हैं और सीमा के पास 26 हैं। पहला क्वेश्चन उन्होंने दिया है, हाउ मेनी मोर मार्बल्स हैव आई देन सीमा, मेरे पास सीमा से कितने ज़्यादा हैं? सो वी राइट हियर 37, देन वी राइट 26, वी लेस 26 फ्रॉम 37, द आंसर इज़ 11। सो 11 मार्बल्स आर मोर देन सीमा। नेक्स्ट, हाउ मैनी डू वी हैव ऑल टुगेदर, और हम दोनों के मिला के कितने हैं? सो वी राइट 37 एंड 26 एंड एड दैम, सो द आंसर वुड बी, यहाँ पे आपने प्लस की साइन लगानी है, सो द आंसर वुड बी 63। इनके टोटल हैं 63। हाउ मैनी मोर डू वी नीड टू मेक 100, अब 100 के लिए हमें कितने चाहिए? अब यहाँ पर देखें 100 में से 63 जब हम लेस करते हैं तो 37 आंसर होता है, 37 मजीद चाहिए। अगर आप इसको इस तरह से कर लें, ये देखें, ये वाला जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है ये इसका सोल्यूशन है, और नेक्स्ट ये वाला सोल्यूशन इसका है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये वाला सोल्यूशन इसका है। नेक्स्ट देखिए, 12 गोल्ड फिश वर और टेकन फ्रॉम अ फिश टैंक टू बी सोल्ड एट द शॉप। गोल्ड फिश थी एक टैंक में जो कि बेचने के लिए रखी गई थी। दिस लेफ्ट 14 फिश इन द टैंक, अब टैंक के अंदर 14 है, ठीक है। 12 गोल्ड फिश वर टेकन फ्रॉम अ फिश टैंक, फिश टैंक से 12 निकालनी है और 14 बची हुई हैं। हाउ मैनी फिश वर देयर टू स्टार्ट विद, तो कितनी थी टोटल? अब यहाँ पे 12 सेल हो गई हैं और 14 बची हुई हैं। जब हम 12 और 14 को प्लस करते हैं तो हमारे पास आंसर 26 आता है, यानी टोटल जो थी वो 26 गोल्ड फिश थी एट द स्टार्ट। डे स्टूडेंट्स, उसको आपने अच्छे से वॉच करना है, अंडरस्टैंड करके आपने इस पेज की प्रैक्टिस करनी है, और नेक्स्ट पेज आपका होमवर्क है।